तो दोस्त आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जो आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, क्या उसमें पैसे भी लगते हैं, क्या वो चार्जेबल होता है, उस पर चार्ज लगता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए, तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो दोस्त मैं बता दूं कि जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है ना, वो अपने एक अलग अलग वेंडर है। KPMG अपना अलग करता है, आई वेरीफाई अलग करता है, ऑथवेरिस से अलग होता है अपना। तो हर एक फील्ड, वो हर एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में एक ब्रांड है और वो अपने में एक कंपनी है और वो आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती है। लेकिन मैं बता दूं कि अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूं, अगर आप गूगल पे जाके देखोगे ना, गूगल पे अगर जाके देखोगे तो 90% कंपनीज ऐसी हैं जो चार्ज नहीं लेती हैं, बिल्कुल भी चार्ज नहीं लेती हैं। उनका टाइप होता है कंपनी से और वो कंपनी से चार्ज ज़रूर लेती हैं, ये है, वो कंपनी से ज़रूर चार्ज लेती हैं पर बंदे का वेरिफिकेशन करने के लिए। लेकिन बोलो कि नहीं, अगर फॉर एग्जांपल मुझे जॉब मिली है और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाले का कॉल आया या मेरे पास मेल आया या मेरे पास उसका लिंक आए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, और वो मुझे बोले कि नहीं शुभम आपको पैसे देने हैं तभी आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो कंपनी का इंटरनल मैटर होता है, वो चार्ज आपस में अपना शेयर करते हैं, कितना देना कितना नहीं देना है, वो उनका एक इंटरनल मैटर होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन मैं बात करूँ 10%, मैंने 90% अभी आपको बताया, 10% केसेस में कंपनी आपसे चार्ज लेती हैं, बट सिर्फ और सिर्फ उसका चार्ज जो एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ उसका अराउंड 650 या 750 रुपीज़ होता है, यानी कि। लेकिन अगर एक मैं नॉर्मली बात करा दूँ, ये फ्लैक्चुएट होता रहता तो 1000 रुपये होता है, 1000 के अंदर ही होगा। अगर आपसे बोल रहा है कि नहीं 5000 दो 10000 दो, तो फिर आपको वहाँ पे चार्ज नहीं देने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1000 के आसपास कुछ चार्ज होता है उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का जो वेंडर होता है। अगर वो इस तरीके की बात करता है तो आप अपने कंपनी HR में बात करो, जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ उस कंपनी में आप बात करो कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए इतना इतना पैसा मांग रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर रिपोर्ट करो, बट इतना चार्ज नहीं होता है। बट हाँ, 1000 तक तो आप पेड कर सकते हो जब आपके पास ऑफर लेटर आ गया, आपकी ज्वाइनिंग हो गई। और हाँ दोस्त, ज्वाइनिंग होने के बाद ही आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद ही पैसे ये दें, ये नहीं कि ऑफ़र लेटर आपको मिल गया है आपने उनको पैसे दे दिए। ऑफ़र लेटर लो, ज्वाइनिंग लेटर लो, एंड इसके बाद ही आप वहाँ पे उनको पेड करो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए। तो आई होप दोस्त इस वीडियो से आप समझ गए होगे कि मतलब क्या कैसा चार्जेस होते हैं इसके। तो बस यार दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।